हेलो दोस्तों, आज हम खाने वाले पिज़्ज़ा राइस, और उसके लिए हम आ गए त्रिकाल, जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं सूरत में। जो एरिया है वो है धनमोरा चौकड़ी के आगे, धनमोरा चौक भी बोल सकते हैं, उसके आगे नारायण चौक है, वहाँ पे कॉर्नर पे उनका काउंटर है। तो ये पिज़्ज़ा राइस का क्या स्पेशलिटी और वो कैसे बनता है, उसके लिए चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। ये तेल डाल दिया, लहसुन, आदू और शिमला मिर्ची का अदरक। ये फ्राई हो रहा है अभी, फिर मिर्ची डाल दिया, ये राइस डाल दिया, मरी पाउडर, हाजीना, नमक, धनिया, प्याज, ये सोया सॉस, चिल्ली सॉस, अरे फ्राई हो गई। अभी ये रेडी हो गया राइस, ये डिश में पिज़्ज़ा राइस के लिए तेल डाल दिया, और उसमें आएगी वही मसाला सेम। पिज़्ज़ा राइस के ग्रेवी में एक डब्बू पानी, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटर सॉस, मरी पाउडर, हाजीना और नमक, रेड कलर। इसमें डाल दिया मंचूरियन के टुकड़ा, एच ऑफ सी फ्राई नूडल, ये डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लोर, आरालो, ये रेडी हो गया पिज़्ज़ा राइस का ग्रेवी। अमूल चीज़, रेडी।
सो गाइज ये पूरा प्लेट रेडी हो चुका है। इसका जो प्राइस है पहले तो मैं बता दूँ 150 रुपीज़, 150। पूरा ये डिश है वो दो से तीन लोग पूरा यहाँ पे कर सकते हैं, अकेला एक बंदा पूरा नहीं कर सकता है। और एक ऐसे बना है वो भी मैंने आपको दिखा है। और मैं बात करूँ जो टेस्ट की, तो ये नॉर्मल जो राइस बनता है ट्रिपल राइस उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो चीज़ डाला है और ऊपर से ये पूरा अलग से ग्रेवी डाला है, तो लिटल बेस आपको थोड़ा इटालियन टाइप का भी लगेगा, तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट बनता है और थोड़ा स्पाइसी भी है। तो जो लोग स्पाइसी खाना प्रीफर करते हैं उसके लिए बेस्ट है। तो ओवरऑल आप देखे जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है।